नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश रुलानिया आपका रुलानिया क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और हमारे नए मेहमानों से निवेदन करता हूं कि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन बनी है उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के या जनरल साइंस के, आप मान सकते हो, ऐसे क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आते हैं और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनका संकलन जो हमारी टीम के सदस्य जयचंद जी कस्मा के द्वारा एकत्रित या संकलन किया गया है। तो देखते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? दूरी का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति या फ्लक्स का। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी रेडियो एक्टिता धर्मिता की माप की इकाई का नाम है। प्रकाश के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। द्रव्यमान संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? द्रव्यमान प्राप्त की जा सकती है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये तृतीय नियम के अनुसार संभव है, क्योंकि ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। अगर जल को हम धक्का देंगे तो जल आगे की ओर में धक्का देगा। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है विश्राम जड़ताओं का नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहिए। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? ये गति का पहला नियम लागू होता है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो इसका 1/10 भाग समुद्र से ऊपर रहता है, बाकी इसका जो शेष भाग है वो समुद्र के जो ऊपर है जल उसके अंदर डूबा रहता है। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है इससे। स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुत किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? ये पास्कल के नियम का अनुप्रयोग है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? ये अपकेंद्री बल के कारण अलग हो जाती है। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो ये रैखिक संवेग के सिद्धांत पर काम करता है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? ये 36,000 किलोमीटर होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? ये 1/6 भाग ही है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? ये पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, ये किस सिद्धांत पर है? ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो 9th और 10th की बुक में भी है और ये लैब असिस्टेंट और जो अन्य एग्जाम LDC उनकी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण। इस पर हम टाइम मिलेगा तो एक वीडियो निश्चित रूप से बनाएंगे। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? ये फलवन का यानी तैरने के नियम से संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये न्यूटन ने किया था। ये इस नियम के अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष तो एक दूसरे को आकर्षित करती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 22 की, तो कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? ये 9.8 न्यूटन है। यानी 1 किलोग्राम तो इस पर क्या है, द्रव्यमान है, और इस पर बल कितना लग रहा है? 9.8 न्यूटन लग रहा है। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ये 746 वाट के बराबर होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? ये पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। 1 गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि वह यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? 45 डिग्री पर फेंकेंगे इस प्रकार, तो ये दूरी ज़्यादा तय करेगी। किसने 26 नंबर क्वेश्चन है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ये ब्रह्मागुप्त ने बताया था, जो इंडियन था। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय की जा सके? ये 36 से 45 डिग्री, यानी इस प्रकार 45 डिग्री कोण पर मारना चाहिए इसको, तो ताकि अधिकतम दूरी प्राप्त कर सके।
ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? ये रमफोर्ड नाम का वैज्ञानिक था, उसने दिया। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में मिल घिसकर पिघला दिया? ये डेवी नाम का वैज्ञानिक था, उसने किया था। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? ये बॉयलर के अंदर उच्च दाब के कारण होता है। ताप युग्म तापमान पर या थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक जो वैज्ञानिक था उसने ये नियम दिया, तो उसके नियम पर आधारित है। पूर्व विकिरण उताप मापी किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर आधारित है। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस ताप मापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्व विकिरण ताप मापी के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट ताप मापियों में एक ही होंगे? ये -40 डिग्री टेम्परेचर पर दोनों में समान हो जाता है। सेल्सियस 35 नंबर क्वेश्चन है, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेंटीग्रेड फारेनहाइट स्केल की कितने डिग्री के बराबर होता है? ये -32 डिग्री के बराबर होता है। मानव शरीर का तापमान 98.6 फारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर कितना होगा? ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अति लघु समय अंतरालों को सही से मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये परमाणु घड़ियों का उपयोग किया जाता है, जो अति लघु सेकंड्स को भी माप सकती है। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसका तापक्रम फारेनहाइट में क्या होगा? ये 140 डिग्री फारेनहाइट होगा। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? इसका कारण है गर्मी के कारण ट्यूब फट जाती है, यानी दाब ताप बढ़ जाता है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के एक अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? चालन के अंदर माध्यम की आवश्यकता होती है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? ये संवहन के द्वारा होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? ये विकिरण माध्यम से आती है। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? विकिरण के द्वारा, क्योंकि सूर्य से जब ताप पृथ्वी पर पहुंचता है तो उसमें कोई माध्यम नहीं होता है, निर्वात के अंदर ही वो गति करके आता है, तो विकिरण कहते हैं इसको। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है? विकिरण है। आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? स्वन कहलाता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? ये अवरक्त किरण गर्म कर देती है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग समायोजन कौन सा सबसे उचित है? ऊपर तो सफ़ेद होना चाहिए और नीचे काला होना चाहिए। सफ़ेद और काला क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब ऊपर से सफ़ेद होगा तो ऊपर से जब ताप आएगा तो सफ़ेद रंग प्रकाश को परावर्तित करती है, तो प्रकाश टकरा के वापस चला जाएगा,